छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के सदस्य अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पटवारी संघ ने सरकार से मांग की है कि वेतन विसंगति दूर की जाए, सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिया जाए, विभागीय नियमित परीक्षा आयोजित की जाए, संसाधन एवं भत्ता, स्टेशनरी भत्ता और मुख्यालय में निवास की बाध्यता को खत्म किया जाए, साथ किसी भी मामले में विभागीय जांच के बिना एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। पटवारी संघ का कहना है कि जब तक सरकार संघ की मांगों को नहीं मानती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पटवारियों की हड़ताल के चलते इसका प्रभाव पूरे राजस्व सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जिससे सरकार के राजस्व और रजिस्ट्री से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। बुधवार को पटवारियों के धरने को अपने समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे और उन्होंने पटवारी संघ की मांगों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि सरकार को पटवारी की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। प्रदेश भर के 5000 से ज्यादा पटवारी धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते प्रदेश के 35 लाख किसान पटवारियों से जुड़े अपने रुके कामों को लेकर परेशान है। हमारे पटवारी साथी धरने पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, प्रदेश के सभी किसान परेशान हो रहे हैं अपने कामों को लेकर। इस सरकार को न तो किसानों की चिंता है, न हमारे पटवारी साथियों की चिंता है। ये सरकार असंवेदनशील है। सरकार पटवारी संघ की मांगों पर तुरंत विचार करे, पटवारी संघ के पदाधिकारियों से बातचीत करें, अपने आश्वासन को पूरा करें, पटवारी संघ के मांगों पर विचार कर इनकी मांगों को माने, ये सरकार से हम आग्रह निवेदन करते हैं। विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पटवारियों से मिलकर सिर्फ वोट की राजनीति करते हुए नजर आए। उन्होंने ना तो पटवारियों को और ना ही मीडिया को पटवारियों की समस्या को सुझाने की कोई ठोस आश्वासन दिया है। अब कांग्रेस की बारी है कि वो पटवारियों की मांगों पर क्या कहती है या करती है। फिलहाल पटवारियों का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के 18वां दिन भी जारी रहा।